योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर साज बांधकर फूको। देश देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है। अंधियारा ऐसा फैलता है जैसा भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, अर्थात एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाति आएगी जैसी प्राचीन काल से कभी न हुई और न उसके बाद भी पीढ़ी पीढ़ी में फिर होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लव जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ है और उससे कोई नहीं बचा जा सकता। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, व खुंटी भस्म करती हुई लव का, व पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उसके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं और सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। कोई अपनी पांति के अलग न चलेगा, एक का दूसरे को धक्का नहीं लगता। वे अपनी अपनी राह लिए चले आते और शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं और घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते, और यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है और जो उसका वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। और यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरकर मेरे पास आओ और अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहरा हो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो परमेश्वर के ठहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे कि हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई होने न दे और न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। और जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, और यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया कि सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें खा पी कर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा, और मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा, और उसके दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी,
क्योंकि उसने बड़े बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशु, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अब अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। और हे सियोनियो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा जितनी चाहिए उतनी देगा और पहले माह की पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खाली, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वरन दासों और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन भागी हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे।